सीपीएल का मैच नंबर 20 जो कि खेला जाएगा टिबागो नाइट राइडर्स एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स के बीच, तो कौन सी टीम यहां पे जीतने वाली है? जैसा कि देख सकते हो लास्ट मैच में आपको बोला था टिबागो अपने होम पिच पे खेलने वाली है, गुआना चाहे कितना भी जोर लगा ले टिबागो ही मैच जीतेगी लॉ और सही। सेम वही हुआ, 40 पैसे का घोड़ा मैच हुआ, 45 पैसे का सेमी जैकपॉट मैच हुआ। तो यहाँ पे टिबागो नाइट राइडर जहाँ देख सकते हो ये मैच अगर जीतती है तो सीधा क्वालिफाई प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी प्लेऑफ के लिए, और यहाँ पे एंटीगुआ बारबुडा लास्ट चांस है, जीते चाहे हारे कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ अगर जीती है तो थोड़ा उम्मीद बना रहेगा, लेकिन बाहर है, ऑलमोस्ट बाहर है ये प्लेऑफ से। टिबागो नाइट राइडर अपने होम पिच पे हमेशा डोमिनेट करते नजर आ रही है, एंटीगुआ नई टीम है, क्या यहाँ पे अच्छा कर पाएगी, क्या यहाँ पे पिच कैसा भी है? लास्ट मैच में देखो थे काफी कम रन लगे थे, 147 रन लगे थे, बैट्समैन को परेशानी हो रही थी। टीम डेविड और आंदे रसल की पारी ने मैच जिताया था जो कि गुआना से मैच था। तो टिबागो नाइट राइडर क्या यहाँ पे स्लो विकेट पे, जहाँ एंटीगुआ के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, स्लो विकेट पे टिबागो नाइट राइडर अच्छा कर पाएगी? तो सब कुछ जानने को मिलेगा, सेशन कैसे होने वाला है, मैच में अपडेट क्या है, प्लेइंग 11 क्या है, ड्रीम 11 टीम क्या है, प्लेइंग 11 कुछ चेंजेस है, जैसे कि देख सकते हो डीजे ब्रावो रिटायर्ड हो चुके हैं सीपीएल से। तो यहाँ पे 20 सितंबर फ्राइडे को 4:30 AM पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे मैच खेला जाएगा, क्वींस पार्क ओवल वहीं पे मैच खेला जाएगा जहाँ लास्ट मैच गुआना वर्सेस टिबागो का मैच खेला गया था टिनार्ड में, वहीं पे मैच खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए मैच और सेशन के अपडेट के लिए, और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे फ्री डेमो मैच आएंगे, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। बाकी व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैच और सेशन के अपडेट के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए। बेस्ट वर्क दे 100% साथ काम दे, सीपीएल में धमाकेदार काम दिया गया है, जो जुड़े हैं हमसे कमा रहे हैं, आप भी जुड़ के कमाइए। अब बात करेंगे यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में, देखो टोटल 53 मुकाबले खेले जा चुके हैं, 23 फर्स्ट बैट और 30 यानी कि 30 सेकंड बैट जीते, 153 का एवरेज स्कोर है, 223 टिबागो नाइट राइडर ने हाइस्ट बनाया, 90 पे 4 टिबागो नाइट राइडर का लोएस्ट स्कोर है। स्कोरिंग पैटर्न पे ध्यान दोगे, बिलो 150 25 मैचों में, 150 से 69 13 मैचों में, 170 से 89 9 मैचों में, 190 एवं 6 मैचों में, हाईएस्ट चेस 172 है और 92 यहाँ पे जो कि लोएस्ट डिफेंड है, और ध्यान रखिएगा ये डीएलए से डिफेंड हुआ था। रिसेंट मैच जो कि देख सकते हो आपको गुआना वर्सेस टिबागो 148 रन लगा, बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए सेम पिच पे सेम वेन्यू पे मैच खेला जा रहा है, बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात का। दूसरी तरफ टिबागो नाइट राइडर 208 यहाँ पे डिफेंड करी है, 172 चेस 146। देखो यहाँ पे एंटीगुआ बहुत लोगों सीधी सी बात है टिबागो फर्स्ट बैट पे है या सेकंड बैट पे, हालांकि टिबागो नाइट राइडर एंटीगुआ का एक मैच हो चुका ऑलरेडी, 15 पैसा 20 पैसा का जैकपॉट मैच हुआ था और एंटीगुआ वो मैच जीती थी, टिबागो को हराई थी अपने होम पिच पे, उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट ने अच्छा किया था। क्या रिपीट हो सकता है, क्या टिबागो इस मैच में हार सकती है, चलिए आगे जानेंगे। तो पिच कैसा है, पिच की बाउंड्री थोड़ी आउटफील्ड भी स्लो है और पिच भी थोड़ा स्लो नेचर का है, हालांकि पिच पे बाउंस है, पेस अटैक को मदद मिलता है, टॉस विनर यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सेकंड बैट की तरफ उतरेगा क्योंकि नए बॉल के साथ स्विंग कराना आसान है, स्विमर यहाँ पे बिगड़ लेते हुए नजर आएंगे, ध्यान में रखिएगा। और दूसरी तरफ सेकेंड बैट पे अगर फर्स्ट बैट पे 170 प्लस स्कोर फिर से लग जाए तो कॉम्पिटेटिव मुकाबला देखने को मिलेगा, अच्छा खासा मैच देखने को मिलेगा, 165 बिलो आसानी से, यहाँ पे 160-165 बिलो कहीं जाने वाला नहीं है, आसानी से चेस होने वाला है पिच। अब हेड टू हेड बात करें, टोटल मैच एक खेले जा चुके हैं, टिबागो नाइट राइडर की बात करेंगे, एंटीगुआ बारबुडा फाल्कन एक डिफेंड करके जीती है, 176 रन 6 रन से जीती थी, काफी क्लोज मुकाबला हुआ था। टिबागो नाइट राइडर अभी पॉइंट और दूसरे पोजीशन पे है, बैक टू बैक 3 मैच जीत के आ रहे, एक मैच इन्हीं से हारी थी एंटीगुआ से, एंटीगुआ की बात करेंगे, एंटीगुआ यहाँ पे लास्ट 4 मैच हारने के बाद 2 मैच जीती, उसके बाद फिर 2 कंटिन्यू हार के आ रही है और 8 मैच ऑलरेडी खेल चुकी है, 2 मैच इनके पास बचे हुए हैं, पॉइंट टेबल पे 5वें पोजीशन की टीम है। कारा पोलार्ड स्क्वाड को लीड करेंगे, डीजे ब्रावो रिटायर्ड हो गए हैं सीपीएल से, तो इनके जगह पे हो सकता है, पिछले मैच में तो जेसन रॉय को भी बैठाया गया था और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, हो सके इस मैच में जेसन रॉय आ जाए, जैसे कि यहाँ पे है जोवा लिटिल को लाया जाए और बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन है टिबागो नाइट राइडर के पास, ला सकती है, पेसर को ही लाएगी, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि लास्ट मैच गुआना वर्सेस टिबागो का मैच हुआ था, क्या देखने को मिला, गुआना ने अपने स्पिनर जैसे मोइन अली है स्पिनर को मौका नहीं दिया, 2 ही ओवर कराया, जितने भी स्पिनर बॉलर थे 2 ही ओवर कराया, पेस अटैक को ज्यादा प्रमोट कर रही थी क्योंकि पेस अटैक यहाँ पे सक्सेसफुल रहा, विकेट ले। क्रिस ग्रीन ने स्क्वाड को लीड करेंगे गुआना अमेजन वॉरियर्स की तरफ से, टिबागो की तरफ से,
और सकीरा पेरिस को लाया गया था लेकिन अनसक्सेसफुल इतना नहीं रहे, तो इनके जगह पे जेसन रॉय खेलते हुए नजर आएंगे। सुनील नारायण यहाँ पे स्क्वाड के लीड कर रहे हैं जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन को लीड कर रहे हैं, तो टॉप ऑर्डर में सुनील नारायण कंटिन्यू करेंगे, जेसन रॉय इस मैच को खेल सकते हैं। निकोलस पुरन, कैसी कार्टिक, कारम पोलार्ड, आंदो रसेल, टीम डेवी, जैडन सिल, जोहवा लिटिल, अकील हुसैन, टेरेंस हिंड, वकार सिंह, और यहाँ पे देख सकते हो जैडन सिल्स या जोहवा लिटिल खेलते हुए नजर आएंगे। देखो यहाँ पे सकीब पे जेसन रॉय हो सकता है कि अभी इंग्लैंड वाला ओडीआई में बिजी हो, तो यहाँ पे देख लेना और अपडेट ले लेना, उस वाले स्क्वाड में वो तो अवेलेबल नहीं रहेगा। एंटीगुआ की बात करें, जस्टिन ग्रिप, सैम बिलिंग, फैबन अली, क्रिस ग्रीन, जहार हैमिल्टन, रोस्टन पिरामस, समार स्प्रिंगर, कोफी जेम्स, इमाद वासिम, मोहम्मद आमिर और केल्विन पिटमैन जो भी प्लेइंग लेते हैं। एंटीगुआ हर बार प्लेइंग लोन चेंज किया, दूसरी तरफ टिबागो भी यहाँ पे प्लेइंग लोन काफी चेंज किया है, और दूसरी तरफ देख सकते हो एंटीगुआ के पास जो भी प्लेइंग लेवन में है बैट्समैन है टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इनके अलावा देश में इनके पास बॉलिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, साथ में बॉलिंग भी दो प्लेयर छोड़ के कोई उतना अच्छा नहीं है। इमाद वसीम एज ए स्पिनर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बॉलिंग से परफॉर्म किया है, मोहम्मद आमिर ले लो, बॉलिंग यहाँ पे समार स्प्रिंग का पहले एक दो मैच में अच्छा करते हुए नजर आया था, 5 विकेट भी इसने ले लिया था एक मैच में, उसके बाद यहाँ पे कोई यहाँ पे प्लेयर अच्छे चलते हुए ना, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन की कभी है एंटीगुआ के पास। टिबागो नाइटो बैटिंग से भरी पड़ी है, और नीचे में टीम डेविड एंडरसन है जो कि लास्ट मैच में फिनिश किए थे, जिताए थे, और यहाँ पे बॉलिंग अच्छी है, डीजे ब्रावो गया है तो जोवा लिटिल खेल सकता है, जेडन सिल दोनों अच्छे ऑप्शन है, दोनों में से एक खेल सकता है। बॉलिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग के बदौलत ही गुआना को 147-48 पे रोक दी थी, आगे बढ़ने नहीं दी थी टिबागो ने, जिससे आसानी से रही। देखो यहाँ का ट्रिनिडाड का पिच है, पोर्ट ऑफ स्पेन की खासियत है कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच ज्यादातर चेस होते हैं, इसलिए चेस के फेवर में ज्यादा रिकॉर्ड दिखते हैं। अगर हाई स्कोरिंग मैच, यहाँ पे सबसे पहले तो बैट करना काफी डिफिकल्ट है, 170-175 प्लस स्कोर बने डेफिनेटली यहाँ पे डिफेंड होगा, या जो टीम फर्स्ट बैट पे आएगी लो ऑर्स लग जाएगी। ऐसे टिबागो नाइटो की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग टीम है, हॉट फेवरेट टीम है, लो ऑर्स आपको देखे जाएगी। ड्रीम इलेवन टीम बना रहे हो, कौन कौन से प्लेयर को पिक करोगे? निकोलस पुरन, सैम बिलिंग्स, कारम पोलार्ड, कैसी कार्टी और सुनील नारायण, फैन एलन, कैमरा की इमाद से मोहम्मद आमिर, अकील हुसैन, वकार सिंह। देखो रसेल भी आ गया है, रसेल को भी टीम में ले लेना, वाइस कैप्टन भी जा सकते हो रसेल के साथ, टीम डेविड भी है, थोड़ा प्लेइंग इलेवन चेंज होगा, और जो डीजे ब्रावो का अनअवेलेबिलिटी की वजह से कुछ चेंजेस हो सकते हैं जो कि आपको मैं इस वाले टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। सुनील नारायण और कैप्टन बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन कैमरन ग्रीन को, या फिर आप जा सकते हो अकील यहाँ पे जा सकते हो, कारम पोलार्ड के साथ भी वाइस कैप्टन जा सकते हो, अगर बॉलिंग करो, बॉलिंग तो इसे करता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ चेंजेस हो गए, अपडेट हो गए, फैंटेसी ग्रुप नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। साथ में देखो सेशन कैसे करोगे, यहाँ पे एंटीगुआ का सेशन अवॉइड करना, एंटीगुआ उतना चेक करने वाली नहीं है, सुबह का मैच है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, थोड़ा सेशन मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे टिबागो नाइटो फर्स्ट पैड पे आती है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेशन मोस्टली यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारे सेशन यस होंगे, कुछ आपको लिमिटेड सेशन फर्स्ट बैट पे जो भी टीम आएगी यहाँ पे थोड़ा स्विंग करेगा बॉल और बॉलिंग करते हुए नजर, टीम यहाँ पे फिर भी टिबागो नाइटो फर्स्ट बैट पे आए बिलो 42 यस पे जाइएगा, और लंबी यहाँ पे जो कि होगा 160 के आसपास कोई भी टीम मिले एंटीगुआ को छोड़कर, टिबागो मिले तो यस करके चलिएगा। बाकी कुछ चेंजेज अपडेट होंगे यहाँ पे दूंगा, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए मैचों सेशन के अपडेट के लिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया, लिंक पे ज्वाइन कीजिए, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल, वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली आपको हर वीडियो में प्रॉफिटेबल टीम दे रहा हूँ, जो भी टीम बता रहा हूँ जैसा बता रहा हूँ वैसा स्क्रिप्टेड मैच दे रहा हूँ, तो वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।